हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी ऑटो कार में। दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसी सेडान के बारे में जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में आती है। इंडिया की मोस्ट पॉपुलर बेस्ट सेलिंग सेडान में से एक गिनी जाती है, लोगों को पसंद भी आती है और जिसका रोड प्रेजेंस बहुत ही जबरदस्त रहता है। इंटीरियर आप लोगों को प्रीमियम सा देखने को मिलता है, एक्सटीरियर एक अच्छे लुक के साथ में आता है, इंजन भी बहुत ही परफॉर्मेंसदार है जिससे आपको माइलेज भी अच्छा देखने को मिलता है, वो भी कम प्राइस रेंज के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इसी कार के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है मारुति सुजुकी डिजायर। एंड ये जो आपको देखना है वो है VXI वाला जो कि 2024 में OBD-E20 फेज 2 के साथ में अपडेट कर दिया गया है। एंड इसमें आप लोगों को BS6.2 का फेज आउट देखने को मिल जाता है जिसका आज मैं एक डिटेल रिव्यू वॉक एंड वॉक शूट करने वाला हूं। एंड आप लोगों को बताने वाला हूं इस कार के 2024 के कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, माइलेज देन प्राइस क्या होने वाला है। व्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को डिटेल में सब कुछ दिखाने वाला हूं। शुरुआत करता हूं इस कार के हेडलाइट से। यहां पर आपको हैलोजन बेस हेडलाइट एरिया देखने को मिलता है जो कि क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में आता है और विजिबिलिटी नाइट के टाइम पर बहुत ही अच्छी है। इंडिकेटर भी आपको हैलोजन बेस देखने को मिल जाते हैं। नीचे आप देखेंगे तो फॉग लैंप की हाउसिंग देखने को मिलती है जो कि हैलोजन बेस है एंड क्रोम ट्रीटमेंट सराउंडिंग में यूज किया गया है। एंड अगर बात करें फ्रंट ग्रिल के बारे में तो यहां पर आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है, मैट ब्लैक विद क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में पूरी ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छा लुक प्रेजेंट करती है। एंड यहीं पर आपको ट्विंक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में यूज किया गया है। एंड अब चलते हैं कार के ऊपर साइड में, तो यहां पर आपको एक विंडशील्ड देखने को मिलती है जिसमें आपको विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी से देखने को मिलती है, अंदर से पूरा व्यू देख सकते हैं आप बाहर का। एंड यहां पर आपको डुअल वाइपर्स देखने को मिलते हैं, डुअल वॉशेस के भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएंगे। बोनेट की बात करें तो बोनेट के ऊपर आपको यहाँ पर कर्व्स एंड कट्स देखने को मिलते हैं, क्रिजेस देखने को मिलते हैं जिससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। फ्रंट से आप लोगों को इस कार की चौड़ाई 1735 mm की देखने को मिल जाएगी जिसकी वजह से एक बेहतरीन सा रोड प्रेजेंस भी ये कार प्रोवाइड करके देती है अपने कस्टमर्स को। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से लुक के साथ में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो टायर्स देखने को मिलते हैं वो आते हैं ट्यूबलेस वाले जो कि आते हैं JK टायर्स की तरफ से। यहाँ पर आप लोगों को जो टायर साइज देखने को मिलता है वो है 165/80R 14 inches के स्टील व्हील आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिशिंग के डायमंड कट वाले अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं जो कि एक्सेसरीज के पार्ट्स हैं। ए ब्लेयर आपको पूरा बॉडी कलर देखने को मिल जाएगा। रूफ आपको मैं दिखा दूं कुछ इस प्रकार की देखने को मिल जाएगी। बैक साइड में आपको पावर एंटीने का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। एंड जो यहाँ पर ORVM है वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं जिसको आप इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हैं अंदर से। LED इंडिकेटर का प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। एंड डोर्स के नीचे आपको क्लाइडिंग देखने को मिलती है जो कि क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में आती है और ये भी एक्सेसरीज के पार्ट्स हैं जिसका प्राइस मैं आगे आपको बताऊंगा। सन वाइजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, विंडो के ऊपर यूज़ किए गए हैं। बी ब्लर पूरा मेट ब्लैक फिनिशिंग में यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, विंडो पे यूज़ किया गया है। ये सब कुछ एक्सेसरीज के पार्ट्स के साथ में आता है। क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में डोर हैंडल्स हैं दोनों ही। एंड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिलता है जिसकी कैपेसिटी है पेट्रोल में 37 लीटर की। सो ओवरऑल दोस्तों ऐसा है पूरा सेट का प्रोफाइल। एंड अब मैं आप लोगों को इसका एक शोरूम प्राइस बता दूं जो कि है 7,44,000 रुपये का लखनऊ का। एंड जो ऑन रोड प्राइस है वो है 8,50,000 रुपये का। 50,000 रुपये की आप लोगों को अलग से एक्सेसरीज देखने को मिल जा रही है जो कि आप लोगों को मैं दिखाते जा रहा हूं। तो अब मैं आप लोगों को इसका डायमेंशन बता दूं तो इस कार की जो लेंथ है वो है 3995 mm की, हाइट 1515 mm की है, व्हील बेस 2450 mm का देखने को मिल जाता है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो ऐसा लुक आपको देखने को मिलता है रियर से भी। यहाँ पर आप देखेंगे रूफ के ऊपर पावर एंटीना देखने को मिल जाता है, डिफॉगर का प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में, हाईमॉस स्टॉप लैंप देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर सुजुकी का लोगो है एंड क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, नंबर प्लेट का स्पेस है एंड डिजायर की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि 3D क्रोम फिनिशिंग के साथ में आती है। यहाँ पर आपको LED टेल लाइट देखने को मिलती है जिसकी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है और ब्लिंकिंग भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी नाइट के टाइम पर। रियर का बंपर एरिया आपको पूरा बॉडी कलर देखने को मिलता है जिसके ऊपर 4 रिवर पार्किंग सेंसर्स के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे एंड डिजाइन कट्स देखने को मिल जाएंगे। एक बार नीचे से भी मैं आपको दिखा दूं कुछ इस प्रकार का लुक है। ट्विंक का ऑप्शन, एग्जॉस्ट मफलर देखने को मिल जाता है पूरी कवरिंग के साथ में। तो ये रहा पूरा रियर का प्रोफाइल। एक बार मैं आपको बूट स्पेस भी ओपन करके दिखा देता हूँ, तो वन टच से ही ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे जो कंपनी बूट स्पेस ऑफर करती है वो है 378 लीटर का। अच्छा खासा बूट स्पेस है, कंफर्टेबली आप यहाँ पर लगेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड यहाँ पर आपको पैड देखने को मिलता है, इसके नीचे स्पेयर व्हील विद टूल किट का पूरा प्लेसमेंट किया गया है फिक्स। यहीं पे आपको लाइट का भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है जिससे रोशनी रहती है, नाइट के टाइम पर बहुत ही अच्छा काम करती है लाइट। तो चलिए मैं इसको बंद करता हूँ एंड बढ़ता हूँ अदर स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा रियर का प्रोफाइल पूरा जो कि मैंने आपको दिखाया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सेकंड साइड प्रोफाइल भी आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा है पूरा चारों तरफ का एक्सटीरियर जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो चलिए अब चलते हैं इस कार के सेकंड रो केबिन की तरफ और देखते हैं केबिन कैसा देखने को मिलता है, डोर पैनल कैसा देखने को मिलता है। तो ओपन करते हैं डोर को एंड यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिशिंग में प्रीमियम सा डोर पैनल देखने को मिल जा रहा है जो कि आता है हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी के साथ में। शॉर्ट सा आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, हैंड ग्रिपर है, पावर विंडो के कंट्रोल है, क्रोम ट्रीटमेंट डोर ओपनर देखने को मिल जाएगा एंड टेक्चुरेटिंग फिनिशिंग देखने को मिलती है। नीचे स्पीकर ग्रिल है, बॉटल होल्डर का स्पेस देखने को मिलता है। तो डोर पैनल दोस्तों प्रीमियम सा यूज़ किया गया है। एंड सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को
फैब्रिक एपॉक्सी वाली सीट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन ये एक्सेसरीज के साथ में सीट कवर इंक्लूड किया गया है, जो कि बहुत ही प्रीमियम सा लग रहा है। डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है। पैसेंजर्स के लिए थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा यूज किया गया है, एंड ये सीट बेल्ट्स हैं, बैकरेस्ट भी अच्छा है। एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं हेडरेस्ट पूरे, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। एंड यहाँ पर आपको आइसोफिक्स वाली सीट माउंटिंग देखने को मिल जाएगी। मिडल में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, डुअल कप होल्डर के साथ में आता है। एंड डोर पैनल आपको सेमी देखने को मिल जाएगा पैसेंजर साइड वाला। ऊपर आप देखेंगे तो हैंड ग्रिपर यूज़ किया गया है। एंड लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस भी दोस्तों अच्छा खासा यूज़ किया गया है, कंफर्टेबली पैसेंजर्स बैठेंगे, लेग स्पेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डुअल एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, एंड 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर आप देखेंगे रीडिंग लाइट देखने को मिलती है सेकंड रो के लिए भी, एंड सीट्स के पीछे आपको यहाँ पर पॉकेट्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसा है पूरा सेकंड रो केबिन। तो चलिए अब चलते हैं फ्रंट रो केबिन की तरफ और देखते हैं ड्राइवर साइड में क्या क्या यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको मैनुअल की का प्लेसमेंट देखने को मिलता है, जिससे आप डोर को ओपन कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऊपर आप देखेंगे तो हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, सेम डोर ओपनर देखने को मिलते हैं। नीचे आपको पावर विंडो सेंटर लॉकिंग ओआरवीएम को एडजस्ट करने के लिए बटन्स यूज किए गए हैं। एंड यहीं पे आप लोगों को सॉफ्ट सेट देखने को मिलता है, जो फैब्रिक वाला यूज किया गया, बहुत ही प्रीमियम सा है। हैंड ग्रिपर है, एंड स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल बॉटल और पेपर होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डोर पैनल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया सॉफ्ट टच के साथ में। अगर बात करते हैं फ्रंट टू केबिन के बारे में, तो ये आपको पूरा डुअल टोन फिनिशिंग में देखने को मिलता है। सीट्स आपको सेमी देखने को मिल जाएंगी, एक्सेसरीज के कवर के साथ में आती हैं और बहुत ही प्रीमियम सा लुक प्रेजेंट करती हैं। थाई सपोर्ट आपको ड्राइवर साइड में अच्छा खासा देखने को मिलता है, बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट्स हैं। बैकरेस्ट भी अच्छा खासा है, सीट बेल्ट्स हैं, एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं हेडरेस्ट। नीचे आपको लीवर्स देखने को मिलते हैं, जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हैं सीट को। एंड ये रोलर है, जिससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से आप रियर का बूट स्पेस ओपन कर सकते हैं, एंड फ्यूल टैंक लीवर को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको फ्यूल टैंक लीवर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे लीड देखने को मिल जाती है, अप टू E20 पेट्रोल ओनली लिखा हुआ, जो कि OBD E20 फेज 2 के साथ में टोटली अपडेट कर दी गई है, जिसका प्रूफ है। एंड यहीं पे आप देखेंगे फ्रंट में तो ABC पैडल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप फ्रंट बोनेट को ओपन कर सकते हैं। ऊपर साइड में आपको हेडलाइट टेबल को एडजस्ट करने का, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों डोर पैनल, फ्रंट रो केबिन की सीट्स आपको बहुत ही प्रीमियम से देखने को मिलती हैं, जो कि अच्छा लुक प्रेजेंट कर रही हैं। अब मैं कार के अंदर लगाता हूँ चाबी, उसके बाद बैठता हूँ एंड वन बाय वन करके फ्रंट रो केबिन के सभी फीचर्स को एक्सप्लोर करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सो ऐसा कुछ आपको पूरा डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में डैशबोर्ड एरिया देखने को मिलता है इस डिजायर का, जो कि बहुत ही गजब लगता है और प्रीमियम सा फील करवाता है। बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पर आपको 3-spoke पावर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलती है, जो कि लेदर रैप्ड कवरिंग के साथ में आती है। कवरिंग एक्सेसरीज के अंदर इंक्लूड की गई है। यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम एरिया देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा स्पोर्टी फील करवाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको म्यूजिक के पूरे बटन देखने को मिलते हैं, उसी के नीचे आप देखेंगे टेलीकॉलिंग और ब्लूटूथ के भी बटन यूज किए गए हैं। राइट साइड में कोई बटन्स नहीं है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं लेफ्ट साइड में। राइट साइड में इंडिकेटर, हेडलाइट लेवल को एडजस्ट करने के कंट्रोलर्स यूज किए गए हैं। एंड अब चेक कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील कैसे देखने को मिलती है। तो नीचे से मैं अनलॉक करता हूँ, तो यहाँ पे केवल आपको टिल्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक करना ही है। तो फिर से मैं इसको लॉक कर देता हूँ। एंड अब चलता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों को डिजिटल प्लस एनालॉग वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंपनी ऑफर करती है, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सभी फीचर्स एंड फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ऑल चेकलाइट्स के साथ में आती है। मैक्स स्पीड जो है वो है 220 की। एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ऑन होने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको लुक देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और बहुत ही अच्छी आई कैची एक लाइटिंग यूज की गई है, जिससे बहुत ही विजिबल रहता है पूरा डिस्प्ले। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, जिसमें मैक्स स्पीड 220 की लिखी हुई है। MID स्क्रीन मिडल में है, जिसके अंदर आप लोगों को डिजिटल क्लॉक, AM, फ्यूल लेवल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ट्रिप मीटर, ओडोमीटर जो भी है वो भी आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर का इग्निशन देखने को मिल रहा है, ऑल चेकलाइट्स के साथ में आता है। एंड डिस्प्ले के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी मोड्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक का बटन मैं प्रेस करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। जैसे प्रेस करेंगे रेंज, KM, एवरेज, ये सब कुछ आ जाएगा। और लेफ्ट साइड में जो स्टॉक का बटन, उससे आप ट्रिप मीटर को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अब हो रहा है ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑल अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। तो ऐसा कुछ आपको पूरा सेंटर कंसोल देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है। ऊपर साइड में आपको AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, डुअल हैजलाइट का स्विच यूज किया गया है। यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, ऑक्स, USB से फंक्शंस को। एंड ये टच पैनल के साथ में आता है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर आपको मैनुअल AC के पूरे कंट्रोलर देखने को मिल जाते हैं। उसी के नीचे आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट है, ऑक्स, USB का भी सॉकेट यूज किया गया है। थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर डुअल कप होल्डर्स हैं। बैक साइड में आ जाएंगे तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन यूज किया गया, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आता है। सराउंडिंग में आपको सिल्वर ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलती है। को ड्राइवर की भी सीट्स आपको सेम देखने को मिलेंगी, डोर पैनल सेम यूज किया गया डुअल टोन फिनिशिंग में। ऊपर आपको हैंड ग्रिपर देखने को मिलता है को ड्राइवर साइड में। यहाँ पर आप देखेंगे तो वैरायटी पैड विद एयर बैग, मिरर का ऑप्शन यूज किया गया है। डुअल रूफ माइक देखने को मिलते हैं, रीडिंग लाइट्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको IRVM देखने को मिलता है, मैनुअल एडजस्टमेंट वाला। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको पूरा
वेल्टी पैड देखने को मिल जाएगा ड्राइवर साइड वाला। डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रीमियम सा डैशबोर्ड दोस्तों देखने को मिलता है, जो कि व्यूडन टेक्सचर के साथ में भी आता है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं टेक्सचरेटेड है, पूरी सॉलिड फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको वुडन फिनिशिंग देखने को मिलती है एंड ये पूरी पीच फिनिशिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक प्रेजेंट कर रही है। इधर साइड में आप देखेंगे तो एसी वेंट्स है। को ड्राइवर साइड में आपको ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है, अच्छे खासे स्पेस के साथ में आता है। तो ऐसा है पूरा फ्रंट का केबिन, जो कि बहुत ही अच्छा है एंड सभी फीचर फंक्शंस आपको प्रोवाइड करता है और प्रीमियम सा लुक भी प्रोवाइड कर देता है। अब मैं आप लोगों को सेफ्टी की कुछ पॉइंट्स बता दूं। यहाँ पर आप लोगों को डुअल एयरबैग्स, एबीएस एडीबीडी, हील्ड होल्ड असिस्ट, ट्रैकिंग सिस्टम जैसे फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब है कि ट्रैक्शन कंट्रोल इंक्लूड कर दिया है, जिससे सेफेस्ट हो जाती है कार। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। आईएसओ फिक्स वाली माउंटिंग देखने को मिल जाती है बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी है। और बिल्ड क्वालिटी दोस्तों इस कार की भी अच्छी यूज की गई है। सो ओवरऑल अच्छा है पूरा पैनल। तो आप चलिए कार को करते हैं बंद और चलते हैं फ्रंट में, बात करते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों इस कार में आप लोगों को 1.2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 1197 सीसी का, जिसकी मैक्स पावर है 89 पीएस की एंड जो मैक्स टॉर्क है वो है 113 न्यूटन मीटर की। दोनों ही मिलकर इंजन को बहुत ही स्मूथली जनरेट करते हैं, जिससे जो माइलेज निकल के आता है वो आता है 22 से 23 kmpl का, जो कि बहुत ही अच्छा माइलेज है। ओवरऑल ये OBD E20 PS2 के साथ में अपडेट कर दी है, जिससे जो इंजन है वो भी बहुत ही स्मूथली रिफाइंड हो गया है, जिससे आपको पावर एंड टॉर्क अच्छी देखने को मिलती है और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस भी आपको प्रोवाइड करके देता है विद माइलेज के साथ में। ओवरऑल अगर बात करें पूरी कार के बारे में तो कार बहुत ही अच्छी है, अच्छा सा लुक आप लोगों को प्रोवाइड करके देती है। इंटीरियर आप लोग देख रहे हैं कितना प्रीमियम सा यूज़ किया गया है। फीचर्स भी आप लोगों को लगभग अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, वो भी इस प्राइस रेंज के अंदर। एंड ये जो VXi वेरिएंट है, ये सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट है। सो आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।